मिले जो मुझे जिंदगी मिल गई। रात थी शहर में रोशनी खिल गई। शायरों के लिए शायरी मिल गई। Wake up, sleepyhead. I had a dream. We were on a vacation and I got lost. But you found me, like you always do. Maybe I like getting lost. It's time to get up, babe. जहाँजाद, नीचे गली में तेरे दर के आगे ये मैं सोखदस सर हसन कुजगर हूँ। तुझे सुबह बाजार में बूढ़े अत्तार यूसुफ की दुकान पर मैंने देखा। तो तेरी निगाहों में वो ताब नाकी थी कि जिसकी हसरत में मैं 9 साल दीवाना फिरता रहा। जहाँजाद, 9 साल दीवाना फिरता रहा हूँ। ए कुजगर, हमें खुशी हुई कि तू आज हमारे महल में आ गया। हम भी चाहते थे कि तू आके अपनी मोहब्बत का इंतजार कर। हमें भी तुमसे बे इंतहा मोहब्बत थी ए कुजागर। रुहेल, गुड टू सी यू मैन। क्या हाल चाल? आकर बताया तो होता यार, बस कुछ दिनों पहले आया हूँ। अच्छा, आते ही यहाँ? जरूरी थे यार। कोई थिएटर वेटर का प्लान है? देखो, कहानी तो सुनानी है, देखते हैं। इतना आसान नहीं है मेरे भाई। I'm not worried. हो जाए। अच्छा छोड़, कुछ खाया? नहीं। चला जाओ। आ जाओ। नई जगह ही खुली है यार। जी। सारा, जल्दी से बेटा प्लेटें ले आओ। बेटा पढ़ रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ? क्या हुआ आपको? बाहर जाने की इतनी जल्दी थी, यहाँ कोई बर्फे पड़ती है, सारे चॉकलेट वाले अंडे पिघल गए। अब मैं रूम ऐसा के बच्चों को क्या भेजूंगी? चॉकलेट वाले। माँ, यहाँ से सब मिलता है, ला दूंगा, फिर भेज देना। भाई वैसे सामान अनपैक करे ना, शायद कुछ और भी निकल आए। जी, समझ आ रही है मुझे। अरे इसे खाना तो खाने दे। खाना तो मेरा बेटा जाके खाएगा अपनी दुकान पे। और रुमैसा को
बिरयानी और पाए पैक करवा के भेज देंगे और चॉकलेट के अंडे कह देंगे एयरपोर्ट पी रहे। शाह साहब, कारोबार को कारोबार तक ही रहने दें। इस तरह पाए पैक करवा के भेजेंगे ना तो लोगों ने हमारी शक्लें देखनी छोड़ देनी है। ठीक है जी, बेहतर बेहतर। चला, मैंने तेरे लिए ना बगैर ऑयल के ना पाए बनाए, बड़े मजे आए। पाए खाए ठीक, बगैर ऑयल के जो पाए है ना वो मुझे खाने। ये देख, इतने मजे के मैंने बनाए, तेरे अब्बा की दुकान से भी ज्यादा अच्छी। सच्ची? हाँ, सुबह जाके जारा। जी भाई। क्या कर रही है? मैं एक नई सीरीज देख रही हूँ। ऐसे बहुत अच्छे। वेट, कनेक्ट करता हूँ टीवी पे। लाओ दो। देखते हैं तुम क्या देख रहे हो। I'm not asking. You need to shut the museum down, evacuate your visitors, and seal all ingress and egress points immediately. And Interpol is the authority to compel me to. भाई एक बात बताएं, ये सभी डायरेक्टर्स को आपकी तरह फिल्म मेकिंग पढ़नी पड़ती है? नहीं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ तजुर्बे से सीखते हैं, कुछ गिफ्टेड होते हैं, पर इन तीनों चीजों से ज्यादा जरूरी एक और चीज है, लक, मौका, जो हर किसी को नहीं मिलता। लेकिन आपको जरूर मिलेगा, मैं आंख बंद करके बता रही हूं कि आपके लिए मौकों की लाइन लग जाएगी। अच्छा, अगर ना मिला तो? अगर ना मिला तो पाई की दुकान तो है ना। भाई एक बात पूछूं, सच सच बताएंगे? तुम एक बार सारे सवाल पूछ लो, ये बात में देखेंगे। कोई परेशानी है? नहीं तो? आप कुछ उदास उदास लगते हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? पता नहीं, पहले जैसी स्माइल नहीं है। अच्छा, अरे मैंने ऑब्जर्व किया तो बोल दिया। अब आपकी ऑब्जर्वेशन भी है। आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आपको कोई बात करनी है, कुछ शेयर करना है तो आई एम हियर, यू कैन ऑलवेज कम टू मी। ठीक है, जब कुछ शेयर करना होगा कर लूंगा। और कोई सवाल? देख, कहां तेरे दादा ने एक स्टॉल से शुरू किया और कहां आज माशाल्लाह तीन तीन ब्रांचेस है। सब आपकी कोशिश है बाबू। सिर्फ कोशिश नहीं बेटा, मेहनत भी की। लेकिन जो कुछ है, जो कुछ है वो तेरे सामने ही है, तो तेरा ही है। पता है, तू सब कुछ छोड़ और यहाँ आके बैठ जा, थोड़ी अंग्रेजी बोलेगा, प्यारी प्यारी शक्ल दिखाएगा, लगन तो लोग मक्खियों की तरह आएंगे। देख, हमारी फैमिली में इससे पहले बाहर कभी भी पढ़ने नहीं गया। तू गया, तेरा शौक था, लोग फिल्म देखते हैं, तू फिल्म पढ़ने गया।
थैंक यू मॉम, आपने मुझे वो करने दिया जो मैं करना चाहता। बस अब आप दुआ करें जो मैं ढूंढ रहा हूँ मुझे मिल जाए। मिल जाएगा, मिल जाएगा। पहले कभी फोर्स किया है कि जल्दी कर मिल जाए? देख एक बात याद रखें, ये सब कुछ तो तेरा ही है, लेकिन तुझ पे कभी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जानता हूँ, लेकिन अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। शर्मिंदा कर नहीं रहा, लेकिन अगर तू हो रहा है तो कोई ऐसी बात नहीं है। मैं तेरी माँ का फोन। हेलो, हाँ क्या, एक एक सेकंड, क्या हो गया, चिल्ला क्यों रही हो? अच्छा अच्छा, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ? तेरी माँ का फोन था, पत्नी कह रही कि जल्दी से आ जाए। जरा अनवर को बताया ना कि मैं जा रहा हूँ। चल आ जाओ, अभी निकलते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ माँ? आओ तुम यहाँ बैठो मेरे पास। हुआ क्या? तू बैठ ना। सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। अच्छा बता, तूने क्या डिसाइड किया है? क्या डिसाइड किया? दुकान पे बैठेगा? सीमा माँ, अभी कुछ डिसाइड नहीं किया। ये तो साफ साफ ना हुआ ना। थोड़ा वक्त दे दे मुझे, मैं डिसाइड कर लूंगा। कुछ तो सोचा होगा, कुछ लिखना है, कुछ बनाना है, कुछ करना है। उसके लिए भी वक्त चाहिए माँ। देख बेटा, अगर तुझे कुछ नहीं करना ना, तो फिर शादी कर ले। सीमा तुम्हें ये बातें करने के लिए बुलाया? हाँ, ये मेरी सुनता ही कहाँ है, बैठकर पुरानी पुरानी फिल्में देखता है। मामा देख, ये कुछ लड़कियों की तस्वीरें हैं, कुछ मैंने व्हाट्सएप से निकाली है, कुछ कुरियर से मंगवाई है, अब तो इनमें से पसंद कर ले। देख देखे, 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 क्या जी जी। इसकी नाप तिखी है, ये बड़ी फर्मा बरदार होगी। और ये दूसरी देख, इसके नए नक्श बड़े प्यारे हैं। ये देख, ये कितनी प्यारी है ना? बिल्कुल आपके जैसी। चल ना बकवास नहीं कर, अगर तूने कुछ नहीं करना तो फिर हम सोचें तेरे बारे में। आप लोग करें, दोनों कोशिश करें, मैं वो काम करके आया। ये तस्वीरें लेता जा, अपने कमरे में रख ली, आराम से देख ली। समझाते क्यों नहीं है इसे? कैसे रोकूं, जाऊं पीछे भागूं क्या? तो मैं भी निकलता हूं, रात को केटरिंग है, काम छोड़ के आया हूं मैं। हाथ हो गई है। सुनिएगा जी जी, यहाँ एक बहुत सालों पहले कोई चार्ली चाचा होते थे जिन्हें टीवी पे काम भी मिला था, कहाँ है वो? किस सदी की बात करते हो भाई, एड़ियां रगड़ कर मर गए बेचारे कब के। काम मिलना भी बंद हो गया था, फालिज का अटैक हुआ था, उसके बाद किसी ने पलट कर पूछा तक नहीं। कहते थे बहुत आगे जाऊंगा, वाकई बहुत आगे ले गए, ख्वाब दिखाने वाले। हाँ नहीं, ये मार्केट बहुत चेंज हो गई है। मुझे याद है एक जमाने में 1.5-2 करोड़, उससे ज्यादा क्या। हाँ लेकिन जो भी यार, रोहेल वालेकुम सलाम, कैसे हो भाई? खैर से, अब तो हमारा बेटा फिल्म मेकर बन गया है, तो हमें भी कोई रोल वोल मिलेगा या नहीं? रोल वोल छोड़, तुझे मैं पाए खिलाया था। बैठ जा बैठ जा बैठ जा भाई, ये तो सदा का पागल, लेकिन सच ये कि इसका यही पागलपन हमें खींच लाता। ये वीना, याद है बचपन में कितना खेला करते थे तुम लोग? हाय। हेलो जी।
मैं चाय लाऊं आपके लिए? बेटा जाओ ना, वीना को अपना रूम दिखाओ। अरे हम सब बड़े ओपन माइंडेड लोग हैं, जाओ बातें शाते करो। चाय लो ना, ये ठंडी हो जाएगी। किस लिए रख रहे हो? बिल्कुल ख्याल नहीं। बेटा आंटी को बिस्किट भी दो ना साथ में। Sorry. Nice room. Thank you. So, movies का शौक है आपको? Yeah. मैंने फिल्म मेकिंग पढ़ी और आप मत कहो, it's a bit awkward. How sweet. अब से तुम, बस तुम। जी? So, मैं कह रही थी कि आगे के क्या plans हैं? सब मुझसे यही पूछ रहे हैं और to be honest मुझे इसका आंसर नहीं पता। So, शादी के बाद वापस स्टेट चले जाएंगे ना? तुम स्टेट्स चले जाओगे ना? मुझे लगता है मैं पहले ही चला जाऊंगा। वैसे पुराने दिन कितने अच्छे होते थे ना, बचपन में मिलना, खेलना, बैठना। अब तुम भी बड़े हो गए हो और मैं भी बड़ी हो गई हूँ। क्यूट शर्मिला। यार ये बातें छोड़ दे, तू खामो खा रही। देख यार शाहिद, मेरी बात मान ले, आजकल की मॉडर्न दुनिया के बच्चों से ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। और ये बात भी अपने जहन में बिठा ले कि इस कारोबार के कर्ता धर्ता सिर्फ तुम, इसको आगे लेकर जाने वाला कोई नहीं है। भाई वो सिनेमा की दुनिया का लड़का है, वो तुम्हारे खाने बेचेगा? देख तू मेरे बेटे को ना समझता नहीं है, वो अपने मकसद की तलाश में, इसमें अकेले तो नहीं छोड़ सकता मैं उसे। और जहां तक बिजनेस की बात है, वो मेरा काम है, मैं चला दूंगा उसे, आ भी देखने दे। चलो ये भी ठीक है, चले अदनान, बहुत देर हो गई। अब हाँ हाँ जरूर, लेकिन बच्चे कहाँ रह गए? आ गए। हमारे घर जी आंटी, जरूर तुम आना, मैं तुम्हें अपनी कलेक्शन दिखाऊंगी। तुम्हारे पास भी बुक्स हैं? मेकअप कलेक्शन। ऑब्वियसली। बड़ी प्रैक्टिस है तुम्हारी। जाहिर है बचपन के साथ ही एक दूसरे को जानते हैं, पहली बार थोड़ी मिल रहे हैं। मॉम मुझे एक कॉल लेनी है। अच्छा बेटा बाय। अच्छा भाई शायद अब हमें इजाजत दो। थैंक यू सर, थैंक यू। आई वॉक यू। थैंक यू। आइएगा ना फिर, आप जाएंगे ना? तुम्हारे वो चार कनाल का जो प्लॉट है ना, उस पे नजर है मेरी, बता रहा हूँ। लीजिए आपकी चाय। कह रहा था जरूरी काम कर रहा हूँ, कोई डिस्टर्ब ना करे।
किस सदी की बात करते हो भाई? एड़ियां रगड़ कर मर गए बेचारे कब के? काम मिलना भी बंद हो गया था। फालिज का अटैक हुआ था, उसके बाद किसी ने पलट कर पूछा तक नहीं। कहते थे बहुत आगे जाऊंगा, वाकई बहुत आगे लेके ख्वाब दिखाने वाले। आप क्या देख रही हैं मुझे? तेरी आंखें सोई भी लग रही हैं। हाँ, देर तक जाग रहा। और तेरे कमरे का दरवाजा भी बंद था। हाँ, दरवाजा बंद करके सोता हूँ, आपको पता है। थैंक यू। कहीं तू गलत चक्करों में तो नहीं पड़ गया? मेरा मतलब है वो कौन से चक्कर? मैं गधे कह रही हूँ, तू कोई नशा वशा नहीं करता? कमाल है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस काम करने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं। आप लोग बिना कसम से। देख, बेलापन इंसान को खा जाता है। तूने कारोबार नहीं करना, ना कर। अब वो आलिया का बेटा नहीं है? अरे वो बैंक में इतनी अच्छी पोस्ट पे लगा है। हमसे लोग पूछते हैं तुम्हारा बेटा क्या करके आया, हम कहते हैं जी फिल्म पढ़कर आया। वो कहते नहीं, इसके अलावा क्या कर रहा है? सही बता, मैं और शाहिद साहब ना आज सुबह ना यही जिक्र कर रहे थे, तो शाहिद साहब के पास ना तुम्हारे लिए एक हल है, और तुम्हारे लेवल का, पढ़ा लिखा। अच्छा, मेरे लेवल का बताएंगे कि पूछो? अच्छा क्या, शायद मिलने आ गए। वैसे नेक्स्ट ईयर मैं रिटायर हूँ। अच्छा, मुझे यही लगा कि आप इसे बेहतर गाइड कर सकते हैं। इंसान चार दिन के लिए मुल्क से बाहर चला जाए तो दिमाग खराब हो जाता है, ये तो चार साल के बाद आया। वेरी नेचुरल, कोई परेशानी नहीं। क्या मूड है तुम्हें? सर ये पता होता तो मुश्किल ही क्या थी। शायद थिएटर या फिल्म। इंटरेस्टिंग, थिएटर तो मर रहा है हुए, ओरिजिनल आइडियाज की तरह टीवी का भी यही है। देख चुका हूँ सर, लोग फिल्म देखते हुए बातें करते हैं और थिएटर के टाइम पे सेल्फीज बना रहे हो। तू क्या आप सबको ठीक करेगा? तू अपनी सोचना यार। मैं भी बड़े ख्वाब लेके आया था, फिल्म पढ़ाऊंगा, बच्चे स्टोरीज सुनाएंगे, लेकिन वो तो स्टोरीज बनाने लगे सोशल मीडिया, देखते हो ना? बस कुछ कंफ्यूजन है सर, सोच रहा हूँ इस बारे में। कोई जल्दी नहीं है, जो नेचुरली आए वो कर। लेकिन मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट है ना, इनको तुम्हारी ज़रूरत है। शायद तुझे इनकी हेल्प की रोशनी बात जहां तक बात सकते, ठीक है? आओ एक अच्छी सी चाय पिलाते तुम्हें कैंटीन। हाँ अच्छी मिलती है तो बिल्कुल। क्या रहे थे बाबा? आर्ट के स्टूडेंट्स आपको पता है थोड़े लाइवली होते हैं। सीनियर बैच लेटर मिलेगा? नहीं है। ये क्या हो रहा है? इनकी रोशनी बट रही है बाबा।
बहुत अच्छा किया तुम आ गई हो, बस आने वाले हैं ये लोग भी। चाय पियोगी? नहीं आंटी, थैंक यू। हेलो हेलो बेटा। हेलो, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? गुड टू सी यू। बेबी आप आ गए, आपके लिए लाए हैं। हाय। हाय। देखो ना, एक दफा बताया और बेचारी बना के ले आई। स्वीट गर्ल मीना, व्हाट इज दिस? क्या है यार ये, आप मुझे कह रहे हैं? पहली मुलाकात में मेरा हाथ पहले किसने पकड़ा था? क्या याद करो, तुम्हारा हाथ मेरे हाथ पर आया था गलती से। एक्सीडेंटल होगा, बनो मत। ये हार्ड टू गेट ना, किसी और के साथ खेलना। बाबा मुझे एक काम है, मैं वो काम कर रहा हूँ। भैया खीर तो चख लें। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कर लो भाई। अच्छी है बुरी है बात के लिए पता चल जाएगा। अच्छा तू जा बर्जो खाने में और जाकर ना तेल का डब्बा उतार ले, मेरा हाथ नहीं जाता। नहीं मिल रहा है डब्बा। आ रही हूँ। इधर साहिल मत जाते हैं। क्या है? क्यों शोर मचाया हुआ है? ये सामने डब्बा रखा है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा है? ये बार बार क्यों आ जाती? ऐसे प्यारी है ना। भेजें इसको यार। तुम्हें अच्छी नहीं लगती? नहीं लगती, आप इसको वापस भेजें। बस एक बात बताओ, बच्चे गोरे हो गए? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे, चलो साइकेट्रिस्ट के पास चलते। अरे मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं कुछ ख्याल आते हैं माँ, फिर उन्हें पकड़ने की कोशिश करता हूँ, निकल जाते हैं हाथ से। तो तू खुश रहा करना। आप लोग खुश रहने देंगे तो रहूंगा ना यार, मौका तो दे मुझे खुशी का। अच्छा ना प्लीज माँ, रो मत यार। ठीक है तुम जाना चाह रहे हो तो चले जाओ, अब तुम्हें इतने बुरे लगते हैं तो। माँ कोई बुरा नहीं है यार, ना आप लोग ना मैं, कोई बुरा नहीं, बस मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे स्पेस दे दें आप लोग, मैं और कुछ नहीं मांग रहा आपसे। हो जाएगा सब ठीक। सारा दिन तू कमरे में बंद रहता है, कहीं घूम फिर। आज बीना भी कितनी परेशान थी। बीना? हाँ बीना, क्योंकि तू खामोश था ना, और उसने जाने के बाद 2-3 बार फोन भी किया कि तूने खाना खाया कि नहीं खाया। माँ ये जो वीना की ममता है ना, मुझे नहीं चाहिए, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, आप काफी है मेरे लिए। पागल कहीं का। खाना खाया कि नहीं खाया? अच्छा छोड़ इन बातों को, मुझे ये बता मैं हीरोइन आ सकती हूँ? अरे
माँ का रोल कर लूंगी, कोई छोटा मोटा रोल कर लूंगी। मैं साइड रोल ना माँ का रोल, हीरोइन आएंगे। सच? मच। मेरी माँ बहुत हसीन है। बस तू खुश रहा कर। तुझे ऐसे देखकर मेरा कलेजा भुखा था। क्या जगह है? Hello, hello. Thank you so much for taking time out. ये रोहेल है। हेलो। इधर आ जाती। रोहेल तुम मेरे पास बैठो। मुझे लगता है कि तुम आना नहीं चाहते थे। कोई बात नहीं, आ जा गए हो ना, अब बाहर बाहर आओगे। Come on, give me one rupee. I don't have it. Okay, 10 rupees दो। Yeah. मैं उधार नहीं रखती। Ready? रोहेल एक कार्ड पिक करो, उसे देखो। लाओ मुझे दे दो। किंग ऑफ हार्ट्स, आई न्यू इट। नीलो नोज एवरीथिंग। प्यार तो तुम करते हो किसी से, शायद वो तुम्हारे आसपास कहीं हो, बट मैं तो सिर्फ सजेस्ट कर सकती हूं। तुम्हारे दिल में क्या है मुझे क्या पता। ओके चलो, नाउ पिक अनदर कार्ड। शाबाश, हरी अप। The force. पैसा आने वाला है बहुत सारा, तैयार हो जाओ। लगता है किसी और की किस्मत का पैसा आने वाला है। शादी का बताए ना। वो भी बताऊंगी, वो भी बताऊंगी, सब बताऊंगी। ओके चलो रोहेल, वन लास्ट कार्ड, आखिरी कार्ड। बट वेट, सोच समझ के। हाँ द सर्पेंट, पावर गेम ऑन होने वाली तुम्हारी। आर यू रेडी फॉर इट? कहा था ना, नीलो नोज एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। यार रोहेल तू जाना चाहता है ना तो चला जा।
पता नहीं मैं कुछ और करने आया था यहाँ, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो लोग तो यही हैं, अब क्या करें? नहीं जानता कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ खत्म करूँ, शुरू करना भी है या नहीं, कुछ नहीं जानता। मैं तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाता हूँ। लोगों को मैं भी जानता हूँ, पता नहीं यार किस चीज ने जकड़ा हुआ है मुझे। आई डोंट नो। एक बात मानोगे, कभी कभी चीजों को सही से देखने के लिए उनसे दूर जाना पड़ता है। वापिस चले जाओ यार, मुझे ना एक बिलीव है और मुझे पता है कि यू विल डेफिनेटली फिगर आउट व्हाट यू वांट, वरना यहाँ लड़ने के लिए ना तैयार हो जाओ। फालिश का अटैक हुआ था, उसके बाद तुमने पुलिसदी की बात करते हो भाई, एड़ियां रगड़ के मर गए बेचारे कब कब। कहीं तो लचकरों तो नहीं पड़ेगी। हेल्म की रोशनी शादी का बताए ना। हेल्म की रोशनी जहां तक बात प्यार तो वरना यहां लड़ने के लिए ना तैयार हो जाओ। मामा, बाबा, रोहेल, क्या हुआ बेटा, डर गए हो? आ जाओ बीच में आके सो जाओ। नहीं, क्या हो गया? इतना बड़ा हो गया घोड़े जैसा? क्या हुआ, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं माँ के लिए। आजा आजा इधर मेरे पास आ। भूख लगी है? क्या हो गया, पेट खराब है? क्या हो गया आपको? मैं खाना गर्म करके देती हूँ। बेटा वापस नहीं आ रहा? नहीं बाबा, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैंने सोच लिया मुझे फिल्म बनानी है बाबा। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।